तो हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है ऑडिटी, और ये मूवी है हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर। हाँ, ये मूवी तीन कैटेगरी के अंदर आती है। ऐसा क्यों मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। इतने दिनों बाद मैं हॉरर मूवी की तलाश में था, अचानक से मुझे ये मूवी दिखा। इस मूवी से मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, क्योंकि आजकल के हॉरर मूवी स्टार्ट तो बहुत अच्छे से होते हैं लेकिन उनकी एंडिंग बहुत ही खराब होती है। तो पूरी की पूरी प्रोडक्शन क्वालिटी उनका उतना ज्यादा हाई होता नहीं है और ना ही उनकी प्रोडक्शन वर्क में कोई भी परफेक्शन दिखता है। तो चलो बात करते हैं आखिर ओडीटी में क्या खासियत है और ये हॉरर फिल्म को क्यों ट्राई करना चाहिए। ओडीटी के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये लगता है कि उसके प्लॉट ट्विस्ट। इस कहानी में तुम्हें बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मली मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ इसकी कि ये मूवी एक्चुअल है किस बारे में। इस मूवी में हमें पहले एक हस्बैंड वाइफ को दिखाया जाता है जो हैप्पी फैमिली की तरह साथ रहते हैं, और अगले ही पल कहानी में बिल्कुल चेंजेस दिखने लगते हैं। हमें एक और औरत को देखने को मिलता है जो टोटली ब्लाइंड होती है, और आगे जाके हमें पता चलता है कि उस औरत की जो बहन थी उसका मर्डर हो चुका है। और उसका मर्डर कौन किया, क्यों किया, इसका रीजन तो तुम्हें मूवी देख के पता करनी होगी। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है और सबसे ज्यादा डरावना है वही अंधी औरत। इससे ज्यादा कहानी के बारे में मैं और कुछ भी बताऊंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है इसकी कहानी, और बता भी दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। और मूवी देखते वक्त तुम्हें खास तरह का ध्यान रखना होगा हर चीज पे, हर एक सीन तुम्हें अच्छे से देखना होगा वरना तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है इसमें, तो तुम्हें ध्यान से देखना ही होगा। और मूवी की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, खास करके जिस तरह से शूट किया गया है और जिस तरह का क्वालिटी यूज किया गया है म्यूजिक वगैरह। और अगर जंप स्केयर्स की बात करूँ तो भाई बहुत मस्त मस्त जंप स्केयर्स देखने को मिलेंगे। इतनी जंप स्केयर्स की लाइक तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी लिटरली। और ये फिल्म बिल्कुल साफ सुथरा फिल्म है, तो तुम बिल्कुल किसी के साथ भी देख सकते हो, जिसके साथ तुम चाहो। बस इतना याद रखना इसमें थ्रिलिंग वगैरह बहुत ही ज्यादा है और हॉरर जंप स्केयर्स वगैरह भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस मूवी के बारे में ये है, अगर तुम्हें इस मूवी के बारे में पता नहीं है और ना ही तुमने इस मूवी की ट्रेलर वगैरह देखी है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी की ट्रेलर वगैरह बिल्कुल मत देखना, क्योंकि ट्रेलर में तुम्हें बहुत सारी चीजें स्पॉइलर मिल जाएगा और आधी से ज्यादा चीजें ही ट्रेलर में दिखा देते हैं ये लोग। तो मूवी देखते वक्त सस्पेंस जैसा कुछ चीज रहता नहीं है और इसे सच बोलू तो मजा खराब हो जाता है, खास करके जब बात एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म की हो। तो इस मूवी के बारे में मुझे आइडिया तो था नहीं और ना ही एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन मैंने इसका IMDb रेटिंग चेक किया तो उसमें 7 था, तो मुझे लगा कि शायद ये फिल्म अच्छी होगी। तो मैंने ट्राई किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये फिल्म सच में। तो तुमने इस फिल्म को अगर ट्राई नहीं किया है तो बिल्कुल तुम ट्राई करना इस फिल्म को, देखना कि तुम्हें कैसा लगता है ये फिल्म। और ये एक ऐसी फिल्म है जो शुरुआत होते ही आधे घंटे के अंदर तुम्हें एक टेंशन में डाल देती है, जिसके वजह से तुम मूवी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। मतलब कि ये ऑडियंस एंगेजमेंट में बिल्कुल फास्ट है। तो ऐसे मूवी सच में बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो मैं यही कहूंगा कि 2024 हॉरर मूवी कैटेगरी में देखा जाए तो ओडीटी एक अच्छे लेवल पे रैंक करती है। इसलिए इस मूवी को अगर तुमने नहीं देखा है तो बिल्कुल ट्राई करो, इस मूवी को मिस मत करना। और अगर तुम्हारे धड़कन में इतना ही दम है तो इस मूवी को रात में ट्राई करना। तुम्हें विश्वास नहीं होगा ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात के 11 बजे। और थोड़ी सी इस मूवी के बारे में बैड न्यूज भी है कि ये मूवी हिंदी में नहीं मिलेगी, इसे तुम्हें इंग्लिश में ही देखनी होगी, क्योंकि इसका हिंदी डब आया ही नहीं है अभी तक और ना ही ये डबिंग में रिलीज हुई है। तो तुम्हें इसकी इंग्लिश वर्जन ही देखनी होगी। और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा है या थोड़ी बहुत भी अच्छा है तब भी आप इंग्लिश में ही ट्राई करना, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है चाहे तुम कितना भी अच्छा डबिंग कर लो। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इतनी अच्छी मूवी है तो रिव्यू कर देता हूँ, तुम लोग को हेल्प मिल जाएगा, एक अच्छी मूवी रिकमेंडेशन भी मिल जाएगी। तो तुम जाओ इस मूवी को देखो, मजे करो और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।